नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल PSS पावर सप्लाई। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है 11000 वोल्ट की लाइन है, क्योंकि देखिए डिस ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि डिस ब्लास्ट होने के वजह से जो हमारे क्षेत्र में बिजली चल रही है और लोगों को बिजली पहुंचाने का हम काम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डिस चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे लाइन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आइए हम रियल वीडियो दिखाते हैं कि डिस कैसे चेंज करते हैं और किस प्रकार से चेंज करते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में जॉब करते हैं या काम करते हैं तो किस तरह से काम करना चाहिए, आइए हम वीडियो में शुरू से अंत तक बताएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये डीपी है, डबल पोल 11000 वोल्ट की लाइन के, क्योंकि यहाँ पर हम चढ़ के डिस इंसुलेटर चेंज करेंगे। देखिए, एक हमारे नीचे में एक हेल्पर खड़े हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो देख रहे हैं आकाशी में बिजली छाई हुई है। देखिए, हम लोग बस सिर्फ दो आदमी ही है, तीन आदमी मात्र है, क्योंकि एक वीडियो बना रहा है और हम पोल पर चढ़े हुए हैं और एक हमारे जो हेल्पर का काम करते हैं वो नीचे में जो सपोर्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, तो दो दो तीन हाथ रास्ता लिए हुए हैं, क्योंकि देखिए डिस लेकर मैं चल रहा हूँ 11000 वोल्ट की लाइन में। क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि 11000 वोल्ट की लाइन बहुत ख़तरनाक है और रिस्क है, लेकिन क्या करें, हम लोग का यही काम है। अगर देखिए, अगर कोई भी अगर मरने और जीने से अगर काम छोड़ेंगे तो बहुत सौभाग्य की बात है इस तरह से, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी अगर सरकारी जॉब मिले तो ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए मरना जीना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि हमारा इसी प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम तो अकेला है, सिर्फ ऊपर में चढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जो बगल में देख रहे हैं एक डिस इंसुलेटर जो ब्लास्ट कर चुका है, क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं मैं, क्योंकि मार्किंग से मैं वीडियो आप लोग का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप लोग को जो अगर नज़र है और आँख है तो खुद स्वयं डिस को देख लीजिए कि किस प्रकार से चेंज होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को वीडियो पहुंचने के बाद और देखने को भी अच्छा लगे कि नहीं, ये बंदा सही काम कर रहा है और इस तरह से लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, जो हमारे लाइन है 11000 वोल्ट की लाइन मेन लाइन है, क्योंकि देखिए हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेसिंग बताएंगे। देखिए, हम 11000 वोल्ट की लाइन में तो काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यार लाइन तो आ जाएगी तो मतलब घटना का भी शिकार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पावर स्टेशन में लाइन कटवाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखित द्वारा भी शट डाउन होती है। क्योंकि देखिए, हम लोग शट डाउन कैसे लेते हैं हम इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, शट डाउन वहाँ पर होते हैं, इसलिए इस तरह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाएंगे रजिस्टर में अपना पूरा एड्रेस पता मोबाइल नंबर सब कुछ लिख कर लिखित द्वारा देंगे और हम आके फिर हम काम करने लगेंगे। क्योंकि देखिए लाइन क्या है कि देखिए, अगर डिस ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अगर हम नहीं इसको चेंज करेंगे, जो हमारे बिजली क्षेत्र में मिल रही है, अगर लोगों को बिजली मिल रही है, बिजली को आवश्यकता है लोगों को, अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि हंगामा होगा। हंगामा से बचने के लिए जो हमारे बिजली विभाग की ओर से टीम है उसको भी सूचना मिलती है कि जल्द से जल्द भाई डिस को चेंज करो या लाइन जल्द से जल्द बहाल करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, लोगों को सरकार की ओर से एक मतलब मैसेज जारी होती है कि देखिए बिजली जो भी अगर है, बिजली के विषय में, तो बिजली क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है बहुत अच्छा भी है, वर्क करती है। क्योंकि देखिए, अब तो जानते होंगे कि अब लालटेन और जो मोमबत्ती होती है उसको सहारा नहीं है, अब लाइट की भी सहारा है। बिजली रहेगी तो ठीक है, नहीं तो अंधेरा के भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ओर से एक पॉलिसी है कि हर घर बिजली 24 घंटा बिजली देना है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि
यार हमारे क्षेत्र में 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है, लेकिन देखिए बिजली नहीं मिलती है इसका कारण है हम बताते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कहीं पर भी आंधी और बारिश भी आती है बहुत तेज़ के साथ, तो क्या होगा कि जो हमारी बिजली तंत्र है वो बाधित हो जाती है, और बिजली के अगर कहीं एक पेड़ पौधा गिर जाती है तो हमारे 11,000 वोल्ट की लाइन जो है वो तुरंत बाधित हो जाती है। तो क्या होता है कि लोगों लोगों मतलब लोगों नहीं जल्दी बताते हैं, लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी फॉल्ट होता है तो जल्द से जल्द सूचना नहीं देते हैं, तो उसी समय में क्या होता है कि बहुत समय लग जाते हैं, 4 से 5 घंटा और 8 घंटा भी लग जाते हैं, तो उसी अवस्था में जो लाइन हमारी है वो तुरंत बाधित मतलब बाधित हो जाती है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।